ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। शनिदेव कर रहे हैं परेशान, और शनिदेव होने वाले हैं आने वाले महीनों में बहुत सारी परेशानियां हमारे साथ खड़ी करने वाले हैं। इसलिए आज से, अभी से ही मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ इन्हें फॉलो करना शुरू कर दे, ताकि आप शनिदेव के प्रकोपों से बच सकते हैं दोस्तों। क्योंकि बहुत दिनों से बहुत से जातकों के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें कैसे पता करें कि शनिदेव जो है हमारे अशुभ हो रहे हैं। अगर ये संकेत आपको मिल रहे हैं तो ज़रूर आप चीज़ों को समझ लें। सबसे पहला, बैंक बैलेंस घटने लगे, मतलब आपकी जो सेविंग्स है वो कम होने लगे, तो समझ जाएगा कि शनिदेव हमारे नकारात्मक वे में हैं। दूसरा है, कर्ज कम होने की बजाय बढ़ने लगे, तो ये भी दूसरा संकेत है। ऐसा रोग जिसका पता देर से चले, दाम्पत्य जीवन में कलह और तनाव बढ़ता रहना, कार्यों में निरंतर बाधा आना, अज्ञात भय मन में बना रहना, अनावश्यक यात्रा होना जिनका कोई सेंस है नहीं, एक स्थान पर आर्थिक समय तक न रह पाना, एक स्थान पर अधिक समय तक हम नहीं रह पाते, लव रिलेशन में ब्रेकअप बार बार होना, विवाह में बहुत देरी होना, जॉब में अचानक, नौकरी में अचानक दिक्कत आना। तो अगर ये कोई भी परेशानी में से आपसे कुछ भी परेशानियाँ मिल रही है, तो आइए कि दो तीन महीने जो है इसमें बहुत सी चीज़ें खराब होने वाली हैं, और आप चाहते हैं कि वो चीज़ें खराब नहीं हो, तो इस वीडियो को पूरा देखकर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन्हें बस फॉलो कर ले। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप इन परेशानियों से हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। आप सभी का चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आपसे एक छोटा सा निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें। और सबसे बड़ी और मुख्य बात दोस्तों, कि अगर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात करें, उसका फीस शुल्क लागू है दोस्तों। हनुमान भक्तों को शनिदेव परेशान नहीं करते, और पौराणिक कथा से हनुमान अनुसार शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया है कि वे उन भक्तों को परेशान नहीं करेंगे। यही कारण है कि शनिदेव का जब प्रकोप आरंभ हो तो हनुमान जी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी जाती है दोस्तों। तो आपको करना क्या है वो आप बहुत ही विस्तारपूर्वक आप समझ लीजिएगा। महिला पुरुष सब ये चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाए शनिवार या रविवार, शनि मंत्र का जाप करें, शनि से जुड़ी हुई चीज़ों का दान करें, क्रोध और अहंकार भूल कर भी ना करें, माँ दुर्गा की पूजा करें और माँ ब्रह्मचारिणी की आरती।